So firstly, I would like to ask you about your process of working. Generally, what inspires you? What's usually your mood, and how do you do it? And then we can transfer into this kind of conversation. मेरे पेंटिंग की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, बाद में गणेश बताएंगे। सो मैं एकेडमिक से ही स्टार्ट करूँगा। एकेडमिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एकेडमिक्स में मैं लैंडस्केप बहुत ज़्यादा करता था। लैंडस्केप पोर्ट्रेट्स रहते थे। मेरा पहला लैंडस्केप यही गैलरी से सोल्ड आउट हुआ था। फाउंडेशन कोर्स में था तब, तो उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके फिर लैंडस्केप 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 सब लैंडस्केप। बट लैंडस्केप पेंटिंग की तरफ कैसे जा सकता है, ये सब चीज़ें एकेडमिक के बाद समझ में आई। कि मैंने मेरा खुद का रिसर्च चालू किया कि फंडामेंटल्स बात करते हैं हम, इसमें भी फंडामेंटल्स हैं। हर एक पेंटिंग में फंडामेंटल रहता है। बट फंडामेंटल समझना कैसे कैसे समझ सकते हैं उसको। सो मैंने लाइन से स्टार्ट किया। मेरा मुझे ज़्यादा मतलब मेरा जो चीज़ है फंडामेंटल फंडामेंटल में, वो मुझे लाइन लाइन में समझ में आया। तो फिर मैं लाइन को लेके 2-3 साल लाइन को लेके काम किया। और लाइन वाइब्रेशन, लाइन लाइन का स्टैटिकनेस, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की काम करते करते। और मैं बिलोंग करता हूँ फार्मर फैमिली से। और बहुत सा पीरियड मेरा गांव में गया है। मैंने खुद खेती बाड़ी की है और ये सब चीज़ें मेरे काम में आने लगी। कुछ चीज़ें जैसे हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें करते हो, वैसे वो चीजों का किधर तो एक प्रभाव था मेरे ऊपर। वो चीजें मेरा कॉन्शियस माइंड डिनाई करने लगा उधर पेंटिंग में। वो करते करते धीरे धीरे पेंटिंग पेंटिंग प्रोसेस में मेरा मेरा सर्वाइविंग है वो पेंटिंग प्रोसेस में एब्स्ट्रैक्शन को लेके आया। जैसे मैं रात की पहरेदारी कर रहा हूँ खेतों में, तो ब्लैक इन जनरल ब्लैक देखते हैं हम, बट ब्लैक एक्सपीरियंस करना है तो वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब चांद की रोशनी का ब्लैक अलग है और पैक रूम का ब्लैकनेस अलग है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक के शेड्स है। सुबह का फॉगी इफेक्ट जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। वो सब चीज़ें मेरे विजुअल को किधर तो इम्प्रूव कर रही थी। और धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ के अभी भी मैं समझ के ये काम कर रहा हूँ जो मेरा मेरे एक्सप्रेशन से।